फैसला तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया मोदी ने, ऐसी बात नहीं कि नहीं। मेरे भाई एक 500 का नोट था, अभी भी मेरे पास है, मेरे बच्ची को दूध तक भी नहीं मिला, लेकिन मैंने इसका वेलकम किया, समर्थन किया और ये कहा कि इस परेशानी से और भी थोड़ी परेशानी मेरे को या मेरी फैमिली को लगे तो अच्छी है, कोई परेशानी नहीं। आम आदमी को तो फायदा होगा, सही है, लेकिन दो चार दिन दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद में जो काला पैसा है और जाली नोट जो मार्केट में चल रहा है, जो आम आदमी को उससे परेशानी होती है, उसमें हल है। काला धन रुकेगा तो मार्केट में आएगा, अच्छी बात है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोदी ने जो किया अच्छा किया है, नहीं डिसीजन तो ठीक है, गलत नहीं है, कुल मिला के मीडियम क्लासिक के लोग हैं जो उनके लिए ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने करा बहुत अच्छा किया है, कम से कम काला धन तो निकल रहा है। आज वो वक्त आ गया कि अमीर रो रहे हैं और गरीब हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि काला धन नहीं है उनके पास। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये 500 के नोट बंद करके बहुत अच्छा किया है। आम आदमी क्या कर रहा है इधर, वो लोग थोड़ा बैंक से कोऑपरेट करके पैसा लेके जाना है, 2000 से 4000 तक दे रहा है, सो फॉर ए वीक इट विल बी इजी टू टेक एंड मेंटेन दी अमाउंट, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इट विल बी ओके, अकॉर्डिंग टू मोदी जी क्या बोला है वो सच्ची हो जाएगा। 500 और 1000 के नोट जो मोदी जी ने जो बंद किए हैं, कोई भी कारण जो भी कोई भी चीज होती, लोग जैसे कह रहे हैं कि मुझे पहले बताना चाहिए था या इन्फॉर्म करना चाहिए था, रेड मारने के लिए पहले बताया नहीं जाता, या कोई भी ऐसी चीज के लिए चोरी, चोर को नहीं बताया जाता कि भी चोरी करने जा रहे हैं हम, तो ऐसे सारे इकट्ठे कर लेंगे, लोगों को परेशानी होती है शुरू शुरू में। देखो कोई भी चीज़ को लिए परेशानी होती है, मानता हूं मैं, लेकिन कुछ लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और डेली की जो आपकी जो भी जरूरतमंद की चीज़ें हैं, मान लो अभी ये तो है नहीं कि आपके घर में एकदम आटा चावल बंद हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, या जो भी चीज़ें हैं इतना तो सब में थोड़ा बहुत होता ही है, आपस में कहीं ना कहीं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये रखे होंगे, उनको भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अफरा तफरी ना मचाएं, थोड़ा सा धैर्य से काम लें, कोई भी चीज़ कड़वी दवाई अच्छी होती है हमेशा। जो मोदी जी का निर्णय है वो तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, ताकि जो भी ब्लैक मनी लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं वो बाहर आए और देश का विकास हो, तो देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है जो भी गवर्नमेंट ने लिया है। आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड मूव, क्योंकि जो ब्लैक मनी के स्मगलर्स है, डीलर्स है, अभी उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, सडनली उनको ऐसी खबर मिल सकती है एंड ऑल ऑफ दिस मनी कैन गो टू वेस्ट, तो इससे एक डर बैठेगा उनके अंदर एंड आई थिंक दैट्स गुड। सरकार के निर्णय तो ठीक है, वो तो सही है, काला धन सरकार निकाल ले उसमें कोई बात नहीं है, सरकार ने तो अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन बाकी सब कोऑपरेट करे तो अच्छा होगा लोगों के लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब थोड़ी बहुत तो दिक्कत, जो कुछ भी अच्छा करने से पहले थोड़ा तो समस्या होगी लोगों को। अरे सरकार के पास तो ज्यादा माल रखा है ना, वही विरोध करेगा इसका, जिसके पास एक नंबर का वो विरोध क्यों करेगा, जिसके पास दो नंबर का होगा वही तो विरोध करेगा। भाई एक ही बात समझता हूँ, जो आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आतंकवाद, आतंकवादियों के पास जो पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं वो सब दो नंबर के हैं, हम लोग तकलीफ एक दिन झेलेंगे, दो दिन झेलेंगे, महीना झेलेंगे, बॉर्डर पर हमारे सिपाही खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं, कहीं और खड़े हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, वो रोज मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोच सकते हम लोग? बिल्कुल सोच सकते हैं, मोदी जी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का, जो इससे भ्रष्टाचार का कमी होगा और ये सब, मैंने जितना और आपका राजनेता लोग जो है, सबसे बेसिक तो दो नंबर का नोट वही लोग के पास में है, तो सब अपना उसमें सब कमी आएगा, बहुत आगे चल के बहुत सुधार होने वाला है, मैंने बहुत सुधार होगा। ना ना ऐसा तो नहीं है, पैसा पैसा तो मिल रहा है, मिल रहा है तो बैंक, हम तो कल जाकर के लाए बैंक से, आपका एक्सिस बैंक से भी लाया तुरंत, 15-20 मिनट के अंदर में 4000 रुपये मिल जा रहा है, डिपोजिट भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो शेर बैठा हुआ अभी, और ये काम होना जरूरी है, इस कामों से जनता को जो है, गरीब आदमी को जो है वो सुखी मिल सकता है, नहीं तो सब दब के मर जाएंगे उसमें। हमें बहुत ज्यादा खुशी है, इसी तरह गवर्नमेंट करता रहे तो गरीबों का दुख भग जाएगा। जो बड़े लोगों के पास काला धन जमा हुआ पड़ा हुआ है उसके ऊपर रोक लगेगी, और जो भी काम करने के लिए पैसे मिलेंगे वो फ्रेश और क्लीन मिलेंगे। बहुत अच्छा,
बहुत साहसी कदम और बहुत बेहतरीन कदम, सबसे बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुआ है, वो पाकिस्तान का बात छोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया स्ट्राइक जो हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुआ है। जितना काला बाजारी लोग हैं मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका फल हम लोग को बाद में मालूम पड़ेगा। आपको तकलीफ है तो आपको बोले नहीं हम तो सर्जरी नहीं कराएंगे, डॉक्टर जानता है कि सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। वो मोदी जी जो काम किए बहुत बेहतरीन काम किए हैं, काला धन वाला तो एकदम जीरो हो गया एकदम, लेकिन मोदी जी को और आगे बढ़ाना है एकदम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन ब्यूटीफुल। सरकार निर्णय जो लिया गया है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए वो सही है, केवल पूंजीपतियों के लिए जो है नुकसानदेह है, जिसके पास ब्लैक मनी है वो उससे घबरा रहा है, बाकी आम जनता के लिए कोई परेशानी नहीं है। ಈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಈ ಕಾಳಧನ ಇಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. जिन जिन से हम लोग बात कर रहे हैं, जब हमारा ग्रुप में जो बात हो रही है, वो सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो किया है बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, लोगों ने पता नहीं क्यों अफरा तफरी मचा रखी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 50 दिन का टाइम दिया उन्होंने, ये पता नहीं उन्होंने ये भी बोला है कि घर में जो थोड़े पैसे हैं आप बैंक में जमा करा सकते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं. मोदी जी ने वैसे ही बोल दिया कि गृहिणी 1.5 लाख तो 1.5-2 लाख तक तो बैंक में जमा करा ही सकती है, तो कोई मुश्किल नहीं है. सरकार जो फैसला लिया वो सही लिया है, 500,000 के नोट बंद करें, 2 नंबर के पैसा निकल रहा है बाहर लोगों का, 1,500 का नोट जो गरीब आदमी को पास है वो तो बदल ही रहे हैं, पर बड़े बड़े लोगों को तो हो रही है समस्या. ऐसा लगता है कि इससे देश का फायदा ही होगा, एटलीस्ट हम लोग के कंट्री में से ब्लैक मनी और इस तरह का करप्शन का पैसा निकल जाएगा और लोगों के लिए फायदेमंद ही रहेगा, लॉन्ग रन में इसका जरूर फायदा होगा. 1,000 और 500 के नोट रद्द करके मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और समाज के सभी वर्ग ने इसका स्वागत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. हम भी बहुत खुश हैं इस निर्णय से. आई थिंक दिस इज अ बेटर स्टेप दैट नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन टू कर्ब और इरैडिकेट द ब्लैक मनी फ्रॉम द मार्केट. For initial period, I think it's going to be difficult for all of us in terms of withdrawing cash from ATM or probably going and getting our money exchange from bank. But I think it has got long-term effects. Probably once the entire black money is out of the circulation, probably things would run smoother. And I think each and every citizen or probably the entire population of our country should stand by with this decision of Narendra Modi so that we can be in a state where there is a day when we can say there is no black money anymore into the circulation. So I think we need to support the decision and I am into complete favor of the decision. I feel it's a great move because it's going to curb a lot of black money, the hawalas, the terrorists, all those people use black money. So it's going to put a break for them for now. Jo bhi jitna bhi black money hai wo bahar aa jayega, par filhal thodi takleef hai logo ko ki 500 ka note 1000 ka note nahi chalta hai karke thodi si takleef hai, bas jo bhi kiya hai bahut acha kiya hai.